हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दिन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेमेस्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आपका जो भी लेसन है सेमेस्टर फर्स्ट की, आपका एक तरह से रिविजन मान के चलो कि सभी लेसनों का रिविजन होने वाला है, क्योंकि हर लेसन का हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। उसके थ्रू आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, सारे लेसन एक तरह से मान के चलो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले ही सेमेस्टर फर्स्ट की वीडियो सारी देखी थी, ठीक है। एक से लेकर आठ लेसन हमने किया, 1 to 8, और 1 to 8 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। और कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर, ये वीडियो जो आप बना रहे हो किस किस के लिए यूजफुल है? तो ये यूजफुल सभी के लिए है। अगर कोई बच्चा SOL में है तो उसके लिए भी यूजफुल है, अगर रेगुलर में है तो उसके लिए भी यूजफुल है, और कोई लड़की जो है NBWS के थ्रू कर रही है तो उसके लिए भी यूजफुल है। इवन इग्नू वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है ये वीडियो, क्योंकि लगभग जो हम सिलेबस जो करते हैं सबका सिलेबस एक जैसा, ये टॉपिक सेम ही है, बस बुक अलग अलग स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी सबका सेम ही टॉपिक आता है, सबका सेम ही सिलेबस होता है, तो बहुत ज़्यादा हद तक यूजफुल है ये वीडियो, ठीक है। यहाँ पर हम सेमेस्टर वन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 2020 में SOL ने क्या किया कि सेमेस्टर में बांट दिया, ठीक है। 2020 से ही, मतलब 2019 से ही मान के चलो, 2019 से ही उन्होंने सेमेस्टर में बांट दिया था, ठीक है। सेमेस्टर दो सेमेस्टर में बांट दिया SOL ने, कि सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड, हर ईयर में दो दो सेमेस्टर होने वाले हैं, ठीक है। और ये किस किस बेस पे बांटा गया? तो CBCS क्रेडिट बेस्ड स्कोर सिस्टम के बेस पे बांटा गया, जो रेगुलर में जिस तरह से होता है उसके तहत बनाया गया, ठीक है। इससे क्या होने वाला था, फायदा क्या है? तो अगर फायदा की बात करें तो जो बर्डन है बच्चों का वो आधा हो जाता, ठीक है। दो पार्ट में एग्जाम होते हैं, सिलेबस सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड करके, बट इस बार तो अभी एग्जाम इकट्ठे होने वाले हैं, दोनों सेमेस्टर के एक बार में होंगे, बट माइट बी नेक्स्ट सेमेस्टर से, नेक्स्ट ईयर से आपके एग्जाम अलग अलग करके हो, दो सेमेस्टर में हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपके बर्डन जो बोझ है बच्चों का कि एक बार में दो बुकों को करना वो कम हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखें। और प्लीज़ दोस्तों, जो भी बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और कहें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें, क्योंकि हमारा एक गोल है और वो आपकी हेल्प से ही कंप्लीट होने वाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए ज़रूर बोले अपने दोस्तों को। स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये सारे लेसन का लिस्ट है, ठीक है, कौन कौन से लेसन हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक होंगे इस लेसन के, वो सारे आप देख पा रहे होंगे। आपके बुक का ही पिक है, तो कोई अलग से मैंने डाली नहीं है, तो आप बुक के ही देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप अपने बुक में चेक करना, सारे यही लेसन हैं सेमेस्टर फर्स्ट के। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लेसन फर्स्ट का, फर्स्ट सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिखता है हमें, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं। अगर आप क्वेश्चन समझ गए एग्जाम के टाइम पे, तो आप आधा गेम कवर कर दोगे, आधा गेम आप जीत जाते हो, समझ के मान के चलो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, मतलब जो एक मान के चलो एग्जाम्पल के लिए भारत नाम का एक लड़का है, ठीक है, लड़के का नाम भारत है, और मुझे इसके बारे में जानना है, तो मुझे पता कैसे चलेगा? इसका डेट ऑफ बर्थ जन्म पत्री देखकर, ठीक है, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो देखकर, इसके मम्मी पापा से पूछ के, इसके दोस्तों से पूछ के, इसके सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप को देखकर, ऐसे ही पता चलने वाला है ना। आज के समय में यही तरीका है पूछने का, जानने का, इसके अड़ोसी पड़ोसी से पूछकर, ठीक है, इसके स्कूल में पूछकर, ट्यूशन में पूछकर, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, यही है तरीका। सेम यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा जो भारत है, इंडिया है, उसके प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए जो स्रोत हैं इतिहास के, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए जो स्रोत हैं, जरिया है, इसी इतिहास वो तरीका है, वो क्या है, स्रोत कौन सा है, जरिया कौन सा है, ये पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ईजी सा, ठीक है। ये इसकी अगर आप बात करो इसके आंसर लिखने के तरीके की, सबसे पहले आप दिखाओगे प्राचीन भारत, ये पॉइंट लिखोगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करोगे, प्राचीन भारत का इतिहास किस प्रकार का है, ठीक है, बहुत पुराना है, ये प्राचीन, ऐसा करके थोड़ा सा बता दोगे। उसके बाद यहाँ पे हम दो पॉइंट के साथ स्टार्ट करेंगे। पॉइंट फर्स्ट, इसको स्रोत को जानने का तरीका, साहित्यिक स्रोत पहला तरीका जो है किसी भी चीज़ के बारे में जानने का, साहित्यिक स्रोत। दूसरा तरीका होता है यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। दो तरीके से हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, एक तो साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक के अंदर में जितने भी बुक्स आते हैं, जितने भी तरह के बुक्स आते हैं, वो सारे बुक्स को हम इसमें रखते हैं, ठीक है। बुक्स को कहने का मतलब कि कोई भी किताब, जैसे अभिलेख हो गए, ठीक है, किसी भी धर्म ग्रंथ हो गए, कोई भी धर्म ग्रंथ हो गया, वो सारे धर्म ग्रंथों को इसी में रखते हैं, ठीक है, साहित्यिक स्रोत के थ्रू, ठीक है। कोई भी लेटर, पत्र, बिल, किसी भी तरह की चीज़ें ना साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है, सिक्के हो गए, मनके हो गए, ठीक है, इमारतें हो गए, अस्थियाँ हो गई, ठीक है, मृतभांड हो गए, ये सारी चीज़ें क्या आते हैं, पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, जो अक्सर हमें खुदाई उदाई के जरिए मिलते हैं, फिजिकली मिलते हैं, फिजिकली गुड्स होते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, एक रिटर्न में लिखा हुआ होता है,
ठीक है, समझ में आता है। तो किसी भी चीज के बारे में जानने के दो तरीके हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो पुरातात्विक में क्या क्या चीजें डालोगे, अगर साहित्यिक में क्या क्या चीजें डालोगे ये देखते हैं। पुरातात्विक में यहाँ पर हम नॉर्मल बात करेंगे, बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में हम डाल सकते हैं। पॉइंट्स एक एक करके करवाता हूँ मैं, आप देखिए। ठीक है, पुरातात्विक वाले में हम यहाँ पे क्या डालेंगे, बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में डाल सकते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म ग्रंथ बहुत पुराना है और उसके बारे में आता है, और वो हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में ही पता कैसे चलता है। इतिहास की बात कर रहे हैं ना, तो इतिहास में हमारे बौद्ध धर्म के ग्रंथ के बारे में भी है। बौद्ध धर्म के अंदर में कुछ किताबें लिखी गई, जैसे विनय पिटक, सूत्र पिटक, त्रिपिटक, ये कुछ किताबें लिखी गई। इन किताबों के अंदर में हमारे भारत का जिक्र किया गया, उनके शासकों का जिक्र किया गया, ठीक है, उनकी किस तरह की नीतियां थी वो जिक्र किया गया। जैसे सम्राट अशोक ने क्या किया था अपने बच्चों के थ्रू, और अपने उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है, उन्होंने पूरा फैलाव करवाया, विस्तार करवाने में बौद्ध धर्म का, ठीक है, प्रचार प्रसार करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया। तो उन्होंने भी किताबें लिखी, उन्होंने भी अब लिखे लिखे, तो उसमें भी हमारे भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। दूसरा, जैन धर्म के बारे में, ठीक है, जैन धर्म के जो ग्रंथ हुए, जो भी ग्रंथ हुए जैन धर्म के, ठीक है, जैसे बल्लवी करके वहाँ पे जो उनकी सभा हुई बल्लवी में, ठीक है, उनकी सभा के अंदर में किस तरह के लोग आए, क्या आए, उनके द्वारा लिखी गई ग्रंथों में उनका मेंशन किया गया, ठीक है, रखा गया है, तो हम उसे क्या पता लगा सकते हैं, अच्छा इसको पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे, एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, मान लो कि चलो ये धर्म ग्रंथ है और इसको आपने पढ़ा, तो इससे पता चला यार इस शासक ने भी जैन धर्म अपनाया, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये शासक जैन धर्म को मानता था। ठीक है, जैन धर्म का जैसे मान कहो तो आप चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था, ठीक है, तो ये हमें पता चला वहां से ही। ठीक है, धर्म ग्रंथ की और भी बात करोगे तो कई सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, कई सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए जिसके अंदर के तहत हम ये बात करते हैं। ठीक है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, आप साहित्य के बात करो तो यहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री था या फिर मंत्री था, ठीक है, उसके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, ठीक है, उसके थ्रू भी हमें क्या पता चलता है, भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है कि किस उस टाइम पे मौर्य साम्राज्य किस प्रकार का था, ठीक है, किस हिसाब से वहाँ के लोग राज करते थे, लोग किस तरह के थे, ठीक है, शासन व्यवस्था किस तरह थी, प्रशासन व्यवस्था किस तरह की थी उनकी, ये सारा कुछ हमारे भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, समझ में आता है। और भी अलग अलग जगहों की जो पुस्तकें थी, जो कोई विदेश यात्री आया, विदेशी साहित्य हुए, ठीक है, उनके द्वारा भी लिखे गए, जैसे इंडिका पुस्तक, ठीक है, इंडिका पुस्तक थी विदेशी यात्री के द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज ने लिखा, ठीक है, इंडिका, उसमें भी हमारे भारत के सामाजिक साहित्यिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया कि किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था हमारे भारत में थी। ठीक है, समझ में आता है, ये सारा कुछ यहाँ पे आप डालने वाले हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आप नॉर्मली अगर बात करो, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ आपका, तो इसके अंदर में हम बुद्ध चरित, हस्तचरित, अष्ट अष्ट अर्धशास्त्र, नीति शास्त्र, महाकाव्य, मुद्र, राक्षस, ठीक है, ये सारी बुकों के हम नाम डाल सकते हैं। बुद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सारे हम बुकों के नाम डालकर लिख सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली हमें साहित्यिक स्रोत के जरिया बनता है भारत के इतिहास को जानने का। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत का बात करें तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर में क्या होता है, पुरानी चीज़ें, कोई भी पुरानी चीज़ की अगर हम बात करते हैं, सारा पुरातात्विक स्रोत में आता है, जिसमें शिलालेख आ गए, किसी भी तरह के शिला पे लिखा गया लेख, शिलालेख, ठीक है, सिक्का आ गया, मनके आ गए, ठीक है, नगर स्मारक आ गए, किसी भी तरह के नगर, अगर मान लो आप कहीं गए और वहाँ पे आपको कोई बिल्डिंग दिखी, बिल्डिंग टूटी फूटी, आप क्या पता लगाओगे, अच्छा ये राजा ने ऐसे ऐसे करके बनवाया होगा। लाल किला जाते हो, हमें पता चलता है ना उसके बारे में कि लाल किला का राजा इतना महान होगा, किस तरह से बनाया है। ताजमहल जाते हैं, पता चलता है ना कितना पैसा लगा होगा उसमें, ठीक है, तो ये हमें उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इन सब चीज़ों से ही, पुरातात्विक स्रोतों को देखकर। ठीक है, अब किसी के स्मारक देखा, स्मारक देख के पता चला उत्तरी इस तरह का स्मारक था, इसमें ये चीज़ें डाली गई, ऐसे मतलब उनसे भी हमें आइडिया मिलता है कि क्या इतिहास हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर जो भी मैं करवा रहा हूँ, अगर कहीं भी डाउट लगे तो समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछ लेना। और ये सारी वीडियो मतलब ऑडियो बेस्ड पे ही है, तो आप ट्राई करना कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और लिखो, ठीक है, जिससे आपका अच्छे से क्लियर हो। और कहीं भी अगर डाउट हो, कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ क्लियर कर लेना, बाद में बहुत दिक्कत होती है कि कन्फ्यूज़न। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है लेसन टू का, सेमेस्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुरापाषाण तथा मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियाँ क्या है। यहाँ पे दो तरह की संस्कृतियों की बात की जा रही है, पुरापाषाण तथा मध्य पाषाण संस्कृतियाँ, ठीक है, हम दोनों के, अब मैंने यहाँ पे दोनों को क्वेश्चन को एक में ले लिया है, पर ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, पहली चीज़ डिफाइन करके यहाँ पे स्पेस के कारण हमने एक में लिया है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पुरापाषाण के बारे में ही आता है सिर्फ, कि पुरापाषाण क्या है बताओ और मध्य पाषाण क्या है वो बताओ, अलग अलग करके भी आता है और एक करके भी आता है, तो दोनों को मान के चलना, हम दोनों को समझते हैं पुरापाषाण क्या है और मध्य पाषाण क्या है। अगर आप दोनों को समझ जाओगे तो जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ ले आप लिख पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, हम उसको तीन पार्टों में पढ़ते हैं, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और
नव पाषाण, ठीक है, तीन पार्टों में पढ़ते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, तीन पार्टों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पाषाण और मध्य पाषाण इस बुक में दे रखा, आगे वाली बुक में या आगे चैप्टर में हम नव पाषाण के बारे में भी देखेंगे आगे वाले आने वाले लेसनों में, ठीक है। पूरा पाषाण को हम तीन पार्टों में बांट कर पढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है पूरा पाषाण के बारे में, तो तीन चीज़ें बताओगे, पूरा पाषाण का तीन पार्ट कौन कौन से हैं, तो पूरा पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तम पूरा पाषाण काल, ठीक है, उत्तर पूरा पाषाण, उत्तर पूरा पाषाण काल, तीन पार्ट में, पूरा पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में पढ़ते हैं, तीनों के अंदर में होता क्या है, इसका टाइम पीरियड की अगर बात करो तो 40, इसका टाइम पीरियड नॉर्मली अगर इनकी टाइम पीरियड की देखी जाए, इसकी टाइम पीरियड देखी जाए तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर, मतलब 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच में रहा, 25 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब इसके अंदर में पूरा पाषाण काल के अंदर क्या आता है, पूरा पूरा पाषाण काल के अंदर में जो औजारें यूज़ की गई, जो औजारें यूज़ की गई वो थोड़ी बड़ी हुआ करती थी, ठीक है, उतनी ज़्यादा धारदार नहीं होती थी, थोड़ी बड़ी हुआ करती थी। कोई भी चीज़ अगर आप शुरुआत में बना रहे हो तो नॉर्मली उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, ठीक है, पहली बार में थोड़ी सी कमी रह जाती है, दूसरी बार में थोड़ी सी अच्छी होती है, तीसरी बार में बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते हम और अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो सेम पूरा पाषाण काल में क्या होता है, जो भी जो उस समय के लोगों द्वारा औजारे यूज़ की जाती हैं वो थोड़े भारी होते हैं, ठीक है, मुख्यतः पत्थर उत्थर के बने होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। पर सेकेंड जब पीरियड आता है मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर में, वो थोड़ी औजारे धारदार हो जाती है, ठीक है, थोड़ी छोटी कर दी जाती है और उनसे शिकार करना आसान हो जाता है और वो नई नई तरह की तकनीकें सीखने लग जाते हैं, पहियों का यूज़ तक जाने लग जाते हैं, आग जलाने तक का कोर्सेज कर रहे होते हैं। और उत्तर पूरा पाषाण तक आते आते क्या होता है, वो आग जलाना सीख जाते हैं, पहियों का यूज़ करना सीख जाते हैं और जो हथियार होते थे बड़े 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 चट्टानों के बनाए जाते थे, तो वो बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है, तो बहुत छोटे जाते हैं और उसके तहत क्या होता है कि वो शिकार करना ईजी पड़ जाता है उनका, ठीक है, ईजी हो जाता है। तो इस तरह से तीन चीज़ें, तो आप शॉर्ट में समझ पाए आप पूरा पाषाण काल क्या है, किस तरह से। अब पूरा पाषाण मतलब होता क्या है, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब युग, ठीक है, पत्थरों के युग को हम ना पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है, पुराने पत्थरों के युग को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, पूरा मतलब पुराना, ठीक है, नॉर्मल इसकी डेफिनेशन ये बनती है, पुराने पत्थरों के युग को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब वहाँ पर नॉर्मली हम पत्थर के यूज़ को ही तो देखें कि हथियार किस तरह से पत्थर के बनाए, ठीक है, पत्थर से किस तरह से आग लगाए उन्होंने, ठीक है, और किस तरह से पत्थरों को धीरे धीरे नोकीला करके उनका यूज़ शिकार के लिए किया उन्होंने, ठीक है। आपको अगर इन सभी लेसनों की वीडियो नहीं देखी है तो मतलब थोड़ा दिक्कत होने वाली है समझने में, अगर उन लेसनों को पहले देख लेते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, या फिर आपने बुक पढ़ रखी है थोड़ी सी तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जिससे आपका एक आइडिया क्लियर हो कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस तरह के पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में बात करते हो कि मध्य पूरा पाषाण काल है क्या, मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो थोड़े से समझदार हुए, ठीक है, उनके अंदर में विकसित हुए, थोड़ा सा विकसित हुए, ठीक है, चीज़ों का यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा सीखा, उन्होंने आग का यूज़, ठीक है, आग को खाने पकाने का यूज़, ठीक है, इवन खेती करने तक के तरीके सीख रहे थे, ठीक है, जो बाजरे जैसे साक्ष्य मिले जिनसे पता चलता था कि वो खेती करते थे, ठीक है, मछली के जले हुए कांटे, मतलब जानवरों के जले हुए हड्डियाँ, ये सब मिली जिससे पता चलता है कि वो आग जलाना तक सीख चुके थे, वो पकाकर खाते थे, ठीक है। जो हथियारों का यूज़ था उन्होंने पीछे वाले ट्रम में पूरा पाषाण काल में उन्होंने हथियार छोटे किए, ठीक है, ये अब उन्होंने हथियारों के नए नए तरीके विकसित किए, सल्क आधारित, मतलब वो हल्के से छिले उछिले से हथियार, एकदम पतले पतले से नोकेले धारदार हथियार यूज किए जिससे जल्दी जल्दी अपना शिकार कर सकें, ठीक है। उनके हथियारों को उनके कई तरह के नाम भी आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, आप देखोगे त्रिकोणी, छत्रणी, अर्धचंद्रक, बालचंद्रक, ऐसा कर करके नोकदार, समलम, ऐसा कर करके अलग अलग हथियार बनाए गए, ठीक है ये। और इन सब के बारे में पता कैसे चलता है, तो आपके जैसे सराय नहर, ठीक है, मेहरगढ़, ठीक है, पहाड़, लेहलिया, इन सब जगह पे आपके बुक में जो नाम दे रखे हैं, ठीक है, बागोड़, तिलवाड़ा,
इन सब जगहों पे हमें उनके साक्ष्य मिले हैं जिसके थ्रू हम ये सब कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। और जो पुरातात्विक मतलब पुरातात्विक स्रोतों के थ्रू अगर देखा जाए, पुरातात्विक स्रोतों के थ्रू या जो भी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने क्या बताया कि जो मध्य पाषाण काल युग था वो विकास का युग माना गया, ठीक है। विकास का क्यों? क्योंकि पुरापाषाण काल में उन्होंने नॉर्मली हथियार का ही सिर्फ डेवलपमेंट किया कि हथियार किस तरह से है, पर इन्होंने घर तक का पशुपालन की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे वो पशुपालन की ओर बढ़ रहे थे। इन्होंने पहला पशु को कुत्ता माना जाता है और गाय मानी जाती है कि इन्होंने पहला पशु माना बनाया, ठीक है। कुत्ते को पहला पशु के तौर पर देखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। कुत्ते सुअर इन सब चीज़ों को, ठीक है। वो जंगल से धीरे धीरे मतलब अलग स्थापन हो रहे थे और एक जगह निवास कर रहे थे। पहले नॉर्मली क्या होता था, लोग घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। ट्रेवल करने का मेन कारण क्या होता था? वाटर, पानी, ठीक है। अगर पानी है इनके पास तो वो रुकते थे, अगर पानी नहीं है तो आगे बढ़ते थे, ठीक है। तो अब वो क्या करने लगे, अब धीरे धीरे एक जगह विकसित होने लगे और उसके कारण से यहाँ पे विकास का युग के तौर पर देखा गया। इसका जो नेक्स्ट पीरियड अगर आप बुक में आपके अगर दे रखा जाओ नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पीरियड के बारे में उत्तर पुरापाषाण उत्तम पुरापाषाण काल के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे नवपाषाण या फिर उत्तम पुरापाषाण जो भी है नवपाषाण काल के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे पूरी तरह से विकसित युग के तौर पे दिखा गया, जहां पर लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, ठीक है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी सही से करने के लिए जो भी चीजें हैं वो कर रहे थे, ठीक है। हथियारों का यूज करना सीख चुके थे, आग जलाना सीख चुके थे, खाना पकाना सीख चुके थे, अपनी प्रजनन व्यवस्था को सुधारने के तक के लिए वो थे, कपड़े पहनने तक सीख चुके थे, ठीक है। सारी चीजें उस वाले में आप पढ़ने वाले हो, तो समझ में आता है मध्य पुरापाषाण काल। अगर आपको अच्छे से और अच्छे समझना है तो वीडियो में देख लें, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको किस हिसाब से राइट करना है, ठीक है। अगर आप लिखने के तरीके की बात करो इस क्वेश्चन को, अगर दोनों पॉइंट्स को मिलाकर आता है तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल डिफाइन करने के बाद इसके तीनों अंगों को डिफाइन करोगे जो मैंने बताया, पूरा पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। तीनों को डिफाइन करने के बाद आप तीनों की चीजें अच्छे से बताओगे क्या क्या चीजें हैं, फिर मध्य पुरापाषाण काल बताओगे, डेफिनेशन दोगे मध्य पुरापाषाण काल की, फिर मध्य पुरापाषाण में किस तरह से लोगों की विकसिति हुई वो सारे पॉइंट्स आप बताओगे जो जो मैंने बताया अभी, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स आप लिखोगे, आपके अच्छे खासे नंबर मिलेंगे मिलेंगे। अगर एक के ऊपर भी आता है, कई बार टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि टिप्पणी लिखो, 10 नंबर का होता है तो इसके अगर इसका है तो सेम यही 3 पॉइंट इसका है तो वही चीज़ें बतानी है सेम, कोई अलग नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ वही कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता क्या है। आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबके सब अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो हड़प्पा सभ्यता क्या है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करो, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं और ये हमारे विश्व की प्राचीन सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन अगर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता करके पूछा जाए तो वो भी आप वही लिखोगे, ठीक है। यह पहली नागरिक सभ्यता, जो पहली मतलब सामाजिक सभ्यता, नगरीय सभ्यता पूछा जाए तो भी आप हड़प्पा सभ्यता लिखोगे। नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि जो हड़प्पा के अंदर में जो साक्ष्य मिले हैं, जो भी वहां पे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसके तहत ये पता चला कि पहले नगरीय व्यवस्था कहां पे थी, तो सिंधु घाटी में ही थी, हड़प्पा में ही थी, ठीक है। हड़प्पा को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो नामों में थोड़ा सा बस क्लियर रहना, क्योंकि अगर कई बार नाम चेंज करके पूछता है हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, तो ये ठीक है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, सबसे पहले ये चीजें देखते हैं। तो जो हड़प्पा है, जहां पे विकसित हड़प्पा पूरा, वहां पे सिंधु घाटी के किनारे विकसित शहर को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं पूरा। तो सिंधु घाटी के शहर के किनारे ही मेन चीजें जो मिली, जो वहां नगर व्यवस्था मिली, ठीक है, स्नानागार मिले, वो सिंधु घाटी के किनारे मिले, तो उसके कारण से उस पूरी सभ्यता को नाम दे दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। पर पूरे इलाके के अंदर में सबसे पहले क्या खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था, जो जगह थी वो हड़प्पा खोजी गई, इस कारण से पूरे इलाके का ही नाम हड़प्पा सभ्यता, पूरे जो सभ्यता थी उसका नाम ही हड़प्पा सभ्यता दे गया, क्योंकि सबसे पहले यही खोजा गया। बाद में पता चला कि अच्छा यार ये वाला इलाका तो हड़प्पा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पूरे का नाम हड़प्पा सभ्यता ही दे दिया गया, ठीक है। सब क्योंकि एक में ही आते हैं, समझ में आ रहे दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन समझे। अब इसके अंदर में लिखोगे क्या, अगर हड़प्पा सभ्यता पूछा जाता है तो क्या बताओगे, तो हड़प्पा सभ्यता बताओगे तो इसके नॉर्मली विशेषता पूछी जाती है हड़प्पा सभ्यता क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले बताओगे सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को आ गया, ठीक है। इसके अंदर में पूछा जाता है कि इनकी नगरीय व्यवस्था किस तरह की थी, इनकी विशेषता क्या थी, तो ये कई लाख मतलब 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, ठीक है, इससे ज़्यादा अधिक भागों में फैला हुआ था। यहाँ पे धार्मिक पूजा स्थल ये सब चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, ठीक है, समाधि स्थल ये सब, राजाओं की जलपूर्ति, उनकी जो विकास प्रणाली थी वो देखने के लिए मिली है, जो राजा थे वहाँ पे किस हिसाब से उन्होंने वर्क किया है वो अपने लोगों पे ये देखने के लिए मिलेगा। स्नानागार के डेवलपमेंट जो वहाँ पे विकास था, किस हिसाब से नालियाँ बनाई गई, गलियाँ बनाई गई, ठीक है, मकानों का बनाने का तरीका क्या था, ठीक है, लोगों का विभाजन, ठीक है,
यहाँ पे लोगों का विभाजन, जो समाज का विभाजन था वो किस हिसाब से दिखा गया, उच्च और निम्न वर्ग का विभाजन किस हिसाब से था वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, नगरीय व्यवस्था देखने के लिए मिलेगा। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताओगे, ये सारी विशेषताएं पहले हड़प्पा में डेफिनेशन में डाल दोगे। अगर इसमें क्वेश्चन अगर अलग से आ जाए नगरीय व्यवस्था को बताओ, तो नगरीय व्यवस्था में क्या बताओगे, हड़प्पा के अंदर में दो प्रकार के नगर हुआ करते थे, उचला शहर और दुर्ग शहर, मतलब निचला शहर और दुर्ग शहर। निचला शहर निम्न वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया था, ऐसा प्रतीक होता है, और दुर्ग शहर क्या था, जो उच्च शासन वर्ग थे या फिर जो भी वहाँ पे अधिकारी लोग हुआ करते थे उनके लिए दुर्ग शहर बनाया गया, जो ऊंचाई पे स्थित था। हर मकान को बनाने से पहले चबूतरे का निर्माण करवाना आवश्यक हुआ करता था, ठीक है, मकानों के साथ साथ, मतलब घरों के साथ साथ नालियों का निर्माण करवाया जाता था। सारी गलियाँ जो होती थी ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, जैसे मैथ वाली कॉपी होती है ना, इस ग्रिड पद्धति पर आधारित थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है, इस तरह से गलियों को निर्माण करवाया गया था। चबूतरों का निर्माण कच्चे ईंटों से करवाया जाता था, कच्चे ईंट जो होते थे बिना पक्के वाले उन ईंटों से करवाया जाता था, और घरों के अंदर में खिड़की दरवाजे हुआ करते थे, ठीक है, जो घरों की चौखट ऊंची हुआ करती थी, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। इसके अंदर में अगर दुर्ग शहर की बात करो स्पेशली, तो वहाँ पे एक स्नानागार हुआ करता था, ठीक है, कई बार स्नानागार के ऊपर एक टिप्पणी आ जाती है कि स्नानागार के ऊपर टिप्पणी लिखो, तो टिप्पणी में क्या लिखोगे कि दुर्ग शहर के अंदर में स्नानागार हुआ करता था, स्नानागार उच्च वर्ग का एक प्रतीक के तौर पर देखा गया यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर में चार, मतलब मुख्य तौर पे दो द्वार हुआ करते थे उत्तर और दक्षिण से, ठीक है, इसके साथ साथ नालियां लगी हुआ करती थी, ठीक है, और ये पानी का एकमात्र स्रोत के तौर पे देखा गया, ठीक है। यहाँ पे जल निकासी के लिए हौद बनाए जाते थे। हौद क्या होता था कि नालियों से पानी जाकर उस हौद में इकट्ठा हुआ हो जाया करता था, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती थी। समझ में आ रहे दोस्तों, ये पूरा हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको अभी बताया है। ये अगर इसकी नॉर्मली यही चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती है, इसमें कुछ और है नहीं, ठीक है। इसका अगर कालक्रम की पूछा जाए तो इसको 2600 ईसा पूर्व का माना, मतलब आसपास का माना जाता है, ठीक है। इसकी भौगोलिक स्थिति देखी जाए, कई बार इसके व्यापार को लेकर पूछा जाता है कि इसकी व्यापार का क्या था, तो व्यापार के साक्ष्य भी इसके मिले हैं, ठीक है। व्यापार के साक्ष्य में यहाँ पे इसके क्या मिले हैं, तो जो शिलाकृति होती है, जो शिला लेख होते हैं या फिर जो लोग होते हैं जो शिल्पकृतियाँ का काम करते हैं, ठीक है, जो पत्थरों का काम करते हैं, तो उनके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। वहाँ के लोग जो क्या थे, भुने हुए गेहूँ खेती होती जो करते थे, वहाँ पे हलों के निशान मिले हैं, हलों के फाल के निशान मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से माना जाता है कि ये व्यापारीकरण का ये। कई बार इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इनका पतन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, तो किसी भी चीज़ का अगर पतन का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहला होता है कि विदेशी आक्रमण, भाई क्या पता विदेशी आक्रमण हुआ हो एक बार में ख़त्म, ठीक है, या फिर प्राकृतिक आपदा, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा हो एक बार में लोगों को ख़त्म, ठीक है, या फिर कोई महामारी, कोई भी किसी भी तरह की महामारी, फ्लू फैल गया हो जैसे अभी कोरोना वायरस, ठीक है, उस तरह का कोई भी मान लो एक तरह का कोई फ्लू हो, ठीक है, जिसके कारण से लोगों का वहाँ पे पतन हुआ हो, लोगों को खत्म हुए या विस्थापित हो गए हो। विस्थापित क्यों होते हैं, अगर कोई वहाँ पे राजा की नीतियाँ अच्छी नहीं है तो उसके कारण से विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पे कोई भुखमरी छा गई, कोई भी किसी भी तरह की आपदा आ गई तो उसके कारण से वो विस्थापित हो जाते हैं, लोगों को वहाँ पे कोई अंधविश्वास किसी भी तरह की चीज़ें अगर देखने के लिए मिलती हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। समझ आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नॉर्मली इसी तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाने वाले, कोई एक्स्ट्रा बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यही क्वेश्चन होने वाले हैं यही, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है, क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब क्वेश्चन तो सारे आने वाले हैं, जो भी 6 से 7 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसको भी हम देखते हैं फटाफट, 4 क्वेश्चन 4th क्वेश्चन होने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर अब 4th क्वेश्चन की बात करो तो ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करते हैं कि दोनों काल क्या हैं, ठीक है। अगर आप ऋग वैदिक काल, मतलब ये पूरे काल को, ये पूरे टाइम पीरियड को एक वैदिक सभ्यता के तौर पे देखा गया, ठीक है, क्योंकि पूरे के अंदर में हमें किसी न किसी तरह की बुक के बारे में बात करने वाले, ठीक है, कौन कौन सी बुक थी, क्या बुकें थी, किस तरह से लिखा गया, मतलब एक वैदों के काल को हम वैदिक काल कहते हैं।
इसके अंदर में अगर ऋग्वैदिक काल के बारे में देखो तो ऋग्वैदिक काल क्या कहा गया कि उस काल के अंदर में जो भी बुकें लिखी गई, जो भी इतिहास के लिए यूजफुल बुकें थी वो सारी उसके अंदर में आई। उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड में भी कई सारी तरह की बुकें लिखी गई। यहाँ पे मारवाड़ में बुक कह रहा हूँ, यहाँ पे बुक मतलब होता है वेद, ठीक है, बुक मतलब वेद है नॉर्मल सी। यहाँ पे जैसे कि ऋग्वैदिक काल के अंदर में बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में देवी देवताओं के बारे में बात की गई, उसके महायज्ञ जो जिस प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है, किस कौन कौन से यज्ञ जो यूजफुल थे, ठीक है, उस समय के टाइम पे वो सारी चीज़ें बात की गई, ठीक है। अलग अलग विचारकों के यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरह के विचारक ने क्या माना ऋग्वैदिक काल के बारे में, ठीक है। सेम उत्तर वैदिक काल के अंदर में आपने कई सारे ग्रंथों के बारे में सुना होगा, जैसे सोमवेद, ठीक है, अर्जुवेद, ऋग्वेद, ये सारे आपने सुना है नॉर्मली। तो इन सभी के बारे में उसमें बात की गई कि किस तरह से ये चीज़ें होती थी, ठीक है, उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें लिखी गई, किस चीज़ों के बारे में वहाँ पे जिक्र किया गया, वो सारा चीज़ उसमें हम देखते हैं। और नॉर्मली ऋग्वैदिक काल के अंदर हम क्या देखते हैं, सारे धर्म से जुड़ी जो भी चीज़ें थी कि किस तरह से पूजा पाठ होना है, किस तरह से क्या चीज़ होना है वो। और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण वेद, ठीक है, आरण्य, ये आरण्य, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं कि किस तरह से उनके बारे में बात की गई, ठीक है, किस तरह से ब्राह्मण वेद के बारे में ब्राह्मणों की स्थिति को बताया गया, ठीक है, और आरण्य के बारे में किस तरह से बताया गया, ठीक है, ये सारे उत्तर वैदिक काल के अंदर में आते हैं, जिसमें संगीत धुनों के बारे में बात की गई, ठीक है, संगीत धुनों के बारे में बात की गई, इतिहास के बारे में, मतलब उनके बाकी फ्यूचर क्या चीज़ें हो सकते हैं, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। नॉर्मली फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ना वीडियो देखें, ठीक है, लेसन देख लें, लेसन 4 की वीडियो देख लें, क्योंकि वो अच्छे से समझ में आएगा वहाँ पर, क्योंकि अच्छी लॉन्ग लेसन की वीडियो है, वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं सकता। तो ये वाली वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, नए धार्मिक आंदोलन क्या है। सबसे पहले समझो धार्मिक आंदोलन होते क्या हैं, ठीक है, थीके? जो धर्म के लिए लड़े गए आंदोलन वो धार्मिक आंदोलन कहलाते हैं, ठीक है, थीके? एक टाइम पे क्या होता था, नॉर्मली सबसे पुराना जो धर्म माना जाता है हिंदू धर्म को कहा जाता है, ठीक है, हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, पुरातात्विक, बहुत पुराना, ठीक है। अब वहाँ पर नए नए धर्म का उदय क्यों होता है, जब पुराने धर्म में मतलब किसी धर्म के अंदर में कुरीतियाँ जाती हैं, कुछ कमियाँ जाती हैं, तो उसको दूर करने के लिए नए धर्म का उदय होता है, या फिर उसकी विचार अगर अच्छा ना लगे किसी को तब हम नए धर्म की स्थापना करते हैं, ठीक है, नॉर्मली यही कॉन्सेप्ट होता है। या पुराने धर्म के अंदर में फुलफिल नहीं कर पा रहे, अपनी डिजायर्स को हम पूरी नहीं कर पा रहे, यह जगह नहीं है। अगर मान लो आप एक रूम में रहते हो, आप दूसरा रूम क्यों लोगे, आपके रूम में जगह कम पड़ गई, ठीक है, रूम अच्छा नहीं है, जो भी है, मतलब एक मान के चलो एग्जांपल के लिए ही होगा ना मेन कारण। तो सेम इसी तरह से नए धार्मिक आंदोलन का उदय होता है। नए धार्मिक आंदोलन के अंदर हम दो तरह की चीज़ें देखते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म का लगभग टाइम पीरियड जो था सेम ही था, बौद्ध धर्म के स्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बौद्ध धर्म को बताइए, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बताइए, ठीक है, तो आप जो वीडियो अगर देखते हो तो वहाँ पे आपको बौद्ध धर्म के बारे में बिल्कुल पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बौद्ध धर्म क्या है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बारीकी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक और उसके जो 22वें गुरु मतलब रहे महावीर स्वामी, उनके बारे में पूछा जाता है, महावीर स्वामी कौन थे, किस तरह के थे, उनकी शिक्षाएँ क्या थी, ठीक है, जैन धर्म को अपनाने के तरीके क्या थे, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है इसके अंदर में कि जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, और नॉर्मली नए धार्मिक आंदोलन क्या है, इससे अगर पूछा जाए, कभी पूछा जाए, तो इसके अंदर हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बारे में बताएंगे, क्योंकि नए धार्मिक आंदोलन के टाइम पे सबसे पहला जो उदय होता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ही होता है, वही सेम टाइम पीरियड है दोनों का, ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं है, बट दोनों टाइम पीरियड सेम है, उसी टाइम पे ये नए धार्मिक आंदोलन का उदय होता है, ठीक है। अगर इसके क्वेश्चन आता है, अगर मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ नए धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले धार्मिक आंदोलन क्या है वो बताओगे, ठीक है, उसके बाद में बौद्ध धर्म को पूरा डिफाइन करोगे, उसकी शिक्षाएं बताओगे, और जैन धर्म को उनकी शिक्षाएं बताओगे, और इनको लाने का कारण क्या रहा कि हिंदू धर्म में कई सारी कुरीतियाँ आ गई, कमियाँ आ गई, और लोगों अंधविश्वास ज़्यादा फैल गया, अंधविश्वास को दूर करने के लिए। जैसे देखो हिंदू धर्म में पूजा, देवी देवताओं को पूजा पाठ दान ये सबको सही माना गया, ठीक है, बट इन दोनों धर्मों के अंदर में इस तरह की चीज़ें अमान्य मानी गई, ठीक है, वो देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे, समझ में आता है। तो इनके इस वीडियो के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा, इस क्वेश्चन के लिए भी, कि वो आप वीडियो देखें, लेसन को अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर में जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके अंदर मैं सिर्फ मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इस चैप्टर का या इस बुक के अंदर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको इस तरह से लिखना है, ये तरीका होने वाला है, ज़्यादा इसके अंदर में मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इस वीडियो का, तो लेसन 6 सेमेस्टर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है, ठीक है, और तथा उनके प्रशासन व्यवस्था बताओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ पे पूछ लिया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में, और कोई बच्चा अगर SSC UPSC बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है, वापस से पहला चैप्टर का भी हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ वाला ये क्वेश्चन किया था हमने,
ये वाला क्वेश्चन क्या था, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत की जानकारी के स्रोत, ठीक है। यहाँ पे जो हमने जानकारी के स्रोत की बात करी यहाँ पर कि जानकारी के स्रोत क्या है, सेम ये इसी तरह का क्वेश्चन है वो वाला, ठीक है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है ये कि इसके अंदर स्रोत के बारे में पूछ रहा है। जैसे मान लो एक मौर्य नाम का एक लड़का है, ठीक है। अब उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा, तो भाई उसकी फेसबुक आईडी देख के, व्हाट्सअप आईडी देख कर, उसकी जन्म पत्री देख कर, उसके मम्मी पापा से पूछ कर, इसी तरीके से पता चलेगा ना। तो सेम यहाँ पे पूछा जा रहा है मौर्य साम्राज्य के बारे में कि भाई जो मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी हमें। तो उसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलेगी, तो दो तरीके से, जो भी मैंने पीछे करवाया था, दो तरीके कौन कौन से, तो साहित्यिक और पुरातात्विक, ठीक है। दो तरीके से, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक के अंदर में हम क्या बात करेंगे, तो जितने भी किताबें भी लिखे ग्रंथ होते हैं सारे साहित्यिक में आ जाते हैं। पुरातात्विक में क्या बात करेंगे हम, तो पुरातात्विक में जो भी चीज़ें वहाँ पे मिली है, मन के सिक्के, ठीक है, इमारतें, स्मारक, ठीक है, हड्डियाँ, ये सारी चीज़ें पुरातात्विक में आ जाती हैं, जो हमें फिजिकली तौर पर, पुरातात्विक तौर पर मिली है, पुरानी चीज़ें। समझ में आता है? तो ये साहित्य के अंदर में, इसमें बात करोगे तो सबसे पहले इसकी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें कि देखोगे साहित्यिक ग्रंथ के अंदर में, साहित्यिक ग्रंथ के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे तो यहाँ पे आता है साहित्यिक के अंदर में सबसे पहला अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। वहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, ठीक है, उसके द्वारा लिखी गई, कौटिल्य द्वारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के अंदर में क्या डिफाइन किया गया कि मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में डिफाइन किया गया, ठीक है। कि अभी प्रशासन व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं तो किस तरह की प्रशासन व्यवस्था थी वो भी उसके अंदर में बताएगा, कैसे उनकी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, कर व्यवस्था, ठीक है, कर व्यवस्था कितनी अच्छी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेना व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, युद्ध नीति क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उनकी बुक में डिफाइन किया गया। दूसरी पुस्तक अगर हम बात करें तो दूसरी पुस्तक मेगास्थनीज का इंडिका नामक पुस्तक, ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, और मेगास्थनीज कौन था, तो वो एक विदेशी यात्री था, ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत के तौर पे था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था, और उसने पुस्तक लिखी इंडिका, जो मौर्य साम्राज्य के ऊपर पूरी बेस्ड थी, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के ऊपर पूरी बेस्ड थी। और उस बुक के अंदर में नॉर्मली उसने क्या बताया, सेल्यूकस निकेटर ने क्या बताया कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था किस तरह थी, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था किस तरह थी, आर्थिक व्यवस्था किस तरह की थी, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की थी, प्रशासन व्यवस्था किस तरह की थी, मतलब वहाँ पर लोग किस तरह से व्यवहार करते थे, वो सारी चीज़ें उसने उसमें बताई है, ठीक है। तीसरी अगर पुस्तक की बात करो तो वहाँ पर हम बौद्ध ग्रंथ द्वारा, बौद्ध जो धर्म था, बौद्ध धर्म के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें थी वो हम बात करेंगे, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, ये जो पुस्तकें थी, ठीक है, ये सारी उसके अंदर में आती हैं, जिसके अंदर में मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की गई। जैसे क्योंकि सम्राट अशोक जो थे उन्होंने आगे चल के अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, तो बौद्ध धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, तो उसके अंदर में बौद्ध की धर्म ग्रंथों के अंदर में लिखा गया है, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। जैन धर्म के अंदर में क्या हुआ कि जैन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने जो मृत्यु का, अपने मृत्यु का जो रास्ता अपनाया था वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अंत के अनुसार अपनाया, सलेखना विधि के द्वारा। सलेखना विधि क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट करता है बिना कुछ खाए पिए, ठीक है, अपने आपको मृत्यु दंड देने की सोचता है, वो बिना कुछ खाए पिए, मतलब अन्न पानी को त्याग देना, ठीक है, ये मृत्यु दंड कहलाता है इस तरह का, तो वो सलेखना विधि के थ्रू उन्होंने मृत्यु प्राप्त करी। तो इसके कारण से जैन धर्म के अंदर में भी उनके बारे में जिक्र किया गया, जिसके बारे में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय के जो हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ थे, जैसे मुद्र राक्षस नाटक के कवि जो ग्रंथ हुआ करते थे, मुद्र राक्षस, इन सब ग्रंथों के अंदर में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप साहित्य वाले को पूरी सही से डिफाइन करोगे। और अगर सिक्के की, पुरातात्विक स्रोत की बात करो तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर में आता सिक्के। सिक्के के अंदर में जो वहाँ पर छपवाए गए सिक्के, उस टाइम पर छपवाए गए, तो वहाँ पर राजाओं की फोटो लगी होती थी सिक्कों पर, तो उससे हमें
राजाओं के बारे में पता चलता है कौन सा राजा था, सन लिखा होता था जिससे हमें पता चलता था कौन सा सन की है। और सिक्के कई बार सोना चांदी और लोहे तक पीतल तांबे को हुआ करते थे। अगर जिस तरह का सिक्का हुआ तो वहाँ की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की, ये भी हमें पता चल जाता है। अगर सोने के सिक्के हैं तो हमें पता कहते हैं कि यार सोने के सिक्के तो मतलब अच्छी स्थिति होगी, ठीक है। अगर तांबे के सिक्के हैं तो बोलते खराब स्थिति होगी, ठीक है। ये चीज़ें होती थी, समझ में आता है। और वहाँ की जो इमारतें किस प्रकार की बनी होती है इनसे पता चलता है। सम्राट अशोक के द्वारा मिले गए पाए गए अभिलेख, जो भी उनके द्वारा लिखे आए गए अभिलेख थे, लिखे गए अभिलेख थे, लिखे छपवाए गए अभिलेख थे, वो सारे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। उसी के तहत आप सारे वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था के बारे में बता सकते हो कि उनकी प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, ठीक है। समझ में आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये करना। इसके अंदर का एक इसके चैप्टर कुछ आगे के चैप्टर के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो संगम वंश इनके बारे में, पर नॉर्मली मैंने टॉप छः क्वेश्चन करवाई है और गारंटी इसमें से ये है कि 6 में से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं अगर सेमेस्टर फर्स्ट की अगर एग्जाम दे तो। अगर आपका फाइनल में भी दोनों सेमेस्टर में से भी आते हैं तो 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहें इसके लिए फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सारी चैप्टर। अगर आपने वीडियो को पूरी देखी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसी लगी है, क्या मुझे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है, कहाँ पे मुझे ज़रूरत है इंप्रूवमेंट की, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं मैं कमेंट करके, और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। और फ्रेंड्स प्लीज़, मैं हर बार आपको कई सारी वीडियो में कह रहा हूँ कि हमारा एक गोल है जिसको हम कंप्लीट करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहे, तो प्लीज़ यार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को बताएं जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। मेरा जो मेन मोटिव ये नहीं है, वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये नहीं होता कि मुझे फेमस होना, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन मोटिव ये होता है कि मैंने जो चीज़ें फेस करी हैं अपनी लाइफ में, असल में मैं भी पढ़ा हूँ तो जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं वो कोई और ना फेस करे, ठीक है, इसके कारण से वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।